हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ मिलती रहें। अच्छा, आज मैं आपको बना सिखाऊंगी चिकन टिक्का सैलेड। पहले मैं सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करके रख देती हूँ। ये डाइट के लिए बहुत अच्छा, अगर आप कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए ये चिकन टिक्का सैलेड बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी भी बनता है। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी, इसमें मैंने चिकन लिया, ब्रेस्ट पीस लिए हैं दो, और उनको मैंने बिल्कुल छोटे स्लाइस में काट लिया। आप इसको लंबा भी रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। इसमें लेमन जाएगा 1 टेबल स्पून, इसमें किसी भी ब्रांड का चिकन टिक्का मसाला जाएगा 2 टी स्पून, नमक जाएगा 1/2 टी स्पून, ब्लैक पेपर जाएगा 1/2 टी स्पून, और इसमें सुरख मिर्च जाएगी 1/2 टी स्पून, और इसमें इसमें बेसन जाएगा 1/2 टेबल स्पून। उससे इसका ये थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा, और अगर आपको क्रिस्पी नहीं चाहिए, आपको सॉफ्ट चाहिए, तो आप मैदा नहीं भी इस्तेमाल कर सकते। तो चलिए हम इसको तैयार करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन टिक्का मसाला 2 टेबल स्पून, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए नमक आप बहुत एहतियात से इस्तेमाल करिएगा। और वैसे भी डाइट में अगर चिकन टिक्का सैलेड है, क्योंकि मैं ड्रेसिंग भी बनाऊंगी, इसके बाद मैं आपको सब्जियां बताऊंगी जो सलाद के अंदर जाएंगी। अच्छा, इसमें 1/2 टी स्पून जाएगा नमक, और इसमें 1/2 टी स्पून ही जाएगी सुरख मिर्च बिल्कुल लेवल करके, ब्लैक पेपर जाएगा 1/2 टी स्पून, और लेमन इसमें जाएगा 1 टी स्पून, अगर आप बोतल वाला लेमन जूस इस्तेमाल करते हैं तो आप 1 टेबल स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश से टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक मिर्च आप अपनी मर्जी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी करना है तो आप इसमें वाइट ब्लैक पेपर ऐड कर दें। अच्छे से ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया। अच्छा, मुझे इसमें टिक्का मसाला थोड़ा कम लगा था, तो मैंने 1/2 टेबल स्पून और ऐड कर दिया था। अब इसके अंदर जाएगा बेसन 1/2 टेबल स्पून। ये देखिए, इससे ये क्रिस्पी हो जाएगा जब हम इसको फ्राई करेंगे, और अगर आप इसको बेक करेंगे, बेक करने के बाद आप इसको ग्रिल कर सकते हैं। देखिए, अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसको रख देंगे 30 से 40 मिनट्स के लिए मैरिनेट कर। 1/2 टी स्पून इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूंगी। देखिए कितनी अच्छी इसकी शक्ल हो गई है, ये देखिए जी। अब हम इसको मैरिनेट करके एक साइड पे रख देंगे, और उसके बाद हम आते हैं सलाद की चीज़ों की तरफ, हमें सलाद में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अच्छा जी, ये देखिए मैंने चिकन टिक्का को मैरिनेट करके, तो इसको मैंने ढक के रख दिया है। अब हम सलाद की चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। सलाद में मैंने लिया एक बाउल लेंगे, उसमें मैंने पहले से सलाद का पत्ता और मैंने ककम्बर खीरा काट के रख दिया, उसका हम ऐड कर लेंगे। आप आपको जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं टमाटर नहीं पसंद, इसलिए मैं इसमें टमाटर ऐड नहीं करूँगी, तो इसमें मैं ऐड करूँगी सलाद पत्ता। रेड बीन्स भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें मैं ऐड करूँगी स्वीट कॉर्न, ऐड करूँगी मैं इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून, अच्छा। उसके अलावा मैं इसमें रेड अनियन ऐड करूँगी काट करके, इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। को हम करके ये चीज़ें होगी। आप इसके अंदर रेड बीन्स भी डाल सकते हैं, टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको, मूली भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने ये लेमन जूस लिया है 1 टीस्पून, और इसके अंदर मैं लूँगी ऑलिव ऑयल 1/2 टेबल स्पून, देखिए 1/2 टेबल स्पून लूँगी,
हम इसकी सैलेड की ड्रेसिंग तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर ओरिगानो जाएगा हाफ टी स्पून, इसमें मैंने लेमन जूस लिया है हाफ टेबल स्पून, ऑलिव ऑयल लिया है हाफ टेबल स्पून, और मैंने इसमें ओरिगानो लिए हैं वन एंड हाफ टी स्पून, 1/4 मैंने इसमें सॉल्ट लिया है और 1/4 ही मैं इसमें ब्लैक पेपर लूँगी। उनको अच्छे से हम मिक्स करके इनकी ड्रेसिंग तैयार कर लेंगे। इसको इतनी देर मिक्स करना है कि अच्छे से इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए और ये बिल्कुल एक लिक्विड की फॉर्म में आ जाए। ये देखिए मैंने इसको इतना फेंट लिया, बिल्कुल एक लिक्विड की शेप में आ गया। इसलिए अब हम इसको आपको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम चिकन टिक्का की तरफ आते हैं, हम उसको बना लेंगे। सैलेड तैयार हो गया, ड्रेसिंग तैयार हो गई और चिकन टिक्का हमने मैरिनेट करके रख दिया था। ये देखें, देखिए कितनी अच्छी शक्ल हो गई। ये हमारा सैलेड, ये हमारा चिकन टिक्का और ये हमारा ये ड्रेसिंग। अब हमने सिर्फ चिकन टिक्का को ग्रिल करना है और देन हमारा चिकन टिक्का सलाद तैयार हो गया। ये देखिए मैंने पैन लिया है, इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून, क्योंकि ऑलरेडी ऑयल जो है मैंने चिकन टिक्का में भी थोड़ा सा ऐड किया है, तो जब हम उसको इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे तो उसका भी कलर, वो उसका ऑयल भी बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें चिकन टिक्का ऐड कर देंगे। देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसमें चिकन टिक्का ऐड कर देंगे। हम मिक्स करके 2-3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट पीस है ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होता है, 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको बंद कर देंगे। ये बहुत मज़े का क्रिस्पी, बहुत टेस्टी बनता है। ये देखो अच्छे से मैं इसको बिल्कुल रेडी करके, मीडियम टू हाई फ्लेम करके इसको मैं बंद कर दूँगी, ताकि चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, फिर बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएगा। मिलती हूँ 5 से 10 मिनट में। ये देखिए अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, इसका पानी बिल्कुल आ गया। अब इसको बिल्कुल हाई फ्लेम करके हम इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी कलर चेंज हो जाए। मिलती हूँ 1 से 2 मिनट के बाद। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है चिकन टिक्का रेडी हो गया। देखिए इसका कलर इतना अच्छा चेंज हो गया ना, क्रीम से आपको दिखाती हूँ। अगर आप इसमें आपने इसको और कलर दिया, देखिए थोड़ा क्रिस्पी भी है क्योंकि इसमें मैंने बेसन ऐड किया था, तो इसकी वजह से ये देखिए ये हमारा चिकन टिक्का रेडी हो गया। हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए हमने सैलेड तैयार कर लिया था, इसके अंदर हम ड्रेसिंग ऐड कर देंगे जो मैंने बनाई थी। देखिए इसको हम अच्छे से टोस्ट कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अब इसके ऊपर हम चिकन ऐड कर देंगे। ना आपको अच्छा लगता है कितना चिकन इसमें मार कर ले। ये देखिए जी ज़बरदस्त चिकन टिक्का सैलेड तैयार है। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ मिलती रहें। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।